हे फ्रेंड्स, तो क्विक रिव्यू में बात करते हैं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई स्पेनिश थ्रिलर सीरीज द लॉन्गेस्ट नाइट को, जिसके पहले सीजन में आपको टोटल 6 एपिसोड्स देखने के लिए मिलते हैं और हर एक एपिसोड्स की लेंथ 40 से 50 मिनट के आसपास की है, जिसे हाँ आप अपनी फैमिली के साथ भी बैठकर देख सकते हैं कुछ थोड़े बहुत अब्यूजिंग वर्ड्स के साथ। और इसके अलावा शो को हिंदी में भी रिलीज किया गया है, जिसकी हिंदी डबिंग मुझे अच्छी लगी है। और हाँ, ये पूरा का पूरा शो भी जो बहुत ही ज्यादा फास्ट पेस पर चलते हुए अभी भी एक अधूरी एंडिंग पर है, जिसके सीजन 2 का तो मैं बेसब्री से वेट करूंगा। हालांकि कहानी को बहुत ही अच्छी तरीके से ये सीरीज अपने 6 एपिसोड्स में हमारे सामने प्रेजेंट करती है, जिसकी पेस बहुत ज्यादा फास्ट रखकर मेकर्स ने काफी अच्छा खासा डिसीजन लिया। जिसकी अब अगर कहानी की बात करें तो ये कहानी एक साइको किलर से शुरू होकर उसके पकड़ने से लेकर प्रिजन तक आ जाती है, जहां पर उसे कुछ छुड़ाना चाहते हैं तो कुछ जान से मारना भी, जिन सभी के बीच असल में वो किलर नहीं बल्कि वहां का जेलर यानी कि ह्यूगो फंसा हुआ है, जिससे वो किलर काम क्यों निकाल रहा है और वो कौन लोग है जो उस किलर के पीछे पड़े हैं, उन सारी की सारी डिटेल्स का पता तो आपको उसके पहले सीजन में चल जाएगा, वो भी कुछ हद तक, क्योंकि जैसे कि मैंने सीजन 2 के लिए इस सीरीज ने कई सारी ओपन एंडिंग छोड़ रखी है, जिसके बाद की भी आप एंडिंग को ही देखना पसंद करोगे, अगेन इस काफी अच्छे शो की पेस की वजह से, जिसमें हर एक एक्टर्स ने भी अपना 100% दिया है ताकि हम उनके कैरेक्टर से बहुत ही अच्छी तरीके से कनेक्ट हो सके। लेकिन कैरेक्टर्स की डिटेलिंग इतने भी ज्यादा नहीं है कि हम उन कैरेक्टर्स के साथ घुल मिल जाए, बट फिर भी इतनी बुरी नहीं, जिनमें से कुछ कैरेक्टर्स के साथ बुरा होने पर हम भी उन्हें फील कर, कभी हमें अच्छा लगता है तो कभी बिल्कुल भी नहीं। जिस शो को तो डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस शो को अपने खाली समय में बहुत ही अच्छी तरीके से बैठकर एंजॉय कर सकते हो, खास करके मास ऑडियंस, जिनकी नजर में ये शो मुझे लगता है सीधे सीधे एक ही कैटेगरी का बनता है। बाकी क्रिटिक्स का भी प्यार इस शो को ठीक ठाक सा ही मिला है, यानी उनकी नजर में शो की रेटिंग B+ की बनती है, जिनसे एग्री करते हुए मैं भी शो को इसी सेम यानी कि B+ की कैटेगरी में रखूंगा। जिसे आप देखना ना देखना वो आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने मेरा ओपिनियन आपके सामने रख दिया है इस लॉन्गेस्ट नाइट शो की सीरीज से रिलेटेड। जिसके बाद फिर क्या बनती है आपकी राय, जो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हो, क्योंकि अब वक्त है इस वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। बाकी मैं हूं अजीज, मिलूंगा आपसे जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन, bye.